जैसे कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसको व्यूज़ तो आना ही है, ये पहली बात, और जिनके सब्सक्राइबर नहीं है तो उनको व्यू कहाँ से आएंगे। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सही जगह आया है। दोस्तों आज मैं आपको मनोज दे के बारे में पूरा खुलासा करूँगा कि मनोज दे इतने जल्दी यूट्यूबर जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, तो उनके बारे में आज मैं अच्छे अच्छे बातें जो है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मनोज दे ने यूट्यूब का पूरा एक कर दिया है और इतना तगड़ा कंपटीशन कर दिया उन्होंने सब यूट्यूबर के लिए कि पूछो मत। तो पहले तो दोस्तों वो 2017 से यूट्यूब पे आया है मनोज दे। मनोज दे के दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर है और उसने दोस्तों 3 चैनल ओपन किए खुद के, एक टेक का चैनल है, एक कॉमेडी चैनल है और एक उसने ब्लॉग बनाया खुद का। दोस्तों वो 3 चैनल अब खुद के हैंडल करता है और जो कंपटीशन है वो उसने खुद ने बढ़ा दिया है। तो मनोज दे 2017 से यूट्यूब पे है, तो उनका एक पहले टेक्निकल मनोज करके भी था, तो वो तो उनका डीएक्टिवेट हो चुका है अकाउंट, तो अभी उन्होंने मनोज दे से एक टेक चैनल बनाया है। तो उसके ऊपर दोस्तों उन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताया यूट्यूब के बारे में, जो भी एक न्यू यूट्यूबर होगा तो उसके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूट्यूब चैनल कैसा बनाओ और कैसे कैसे वीडियो बनाओ और कैमरे के सामने कैसा बात करिए। ठीक है, जैसा अब मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कि उन्होंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आप कैमरे को देख के आप कैसा अपना जो वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, और टाइटल कैसा दे सकते हैं वीडियो को, टैग्स कैसे लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा भरना है उसका, यहाँ तक कि और थंबनेल कैसा बनाना है, ये सब उन्होंने यूट्यूब पे बताया है। और दूसरा ऐसा है कि अगर अपने जो वीडियो को व्यू नहीं आते हैं तो उन्होंने ये बताया है कि अपने खुद के मोबाइल से, दोस्तों के मोबाइल से आप वीडियो को देखते रहिए अपने खुद के। तो ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग के दिनों में ठीक है लेकिन बाद में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा करके देखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 तक के व्यूज़ अपने खुद के इससे होते हैं, मतलब जो दोस्तों के वगैरह 5-6 मोबाइल यूज़ करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 100-150 व्यूज़ आते हैं इस पे, मतलब टोटल काउंट हो जाते हैं अपने मोबाइल से जो देखते हैं अपन। तो इसका कारण ये है कि जो हमारे मोबाइल का IMEI नंबर रहता है वो यूट्यूब के तरफ काउंट हो जाता है कि एक डिवाइस से ये वीडियो को कितने बार देखा गया है, और टाइमिंग देखता मालूम चलता है टाइमिंग, ठीक है। तो हम कंटिन्यू वही वीडियो को बार 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 देखते रहते हैं, तो जो यूट्यूब की पॉलिसी है मतलब अल्गोरिदम है तो वो काउंट नहीं करता है उसको, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी मनोज दे की जो बताई थी उन्होंने। और दूसरा ऐसा है, तो मनोज दे ने दोस्तों इतना तगड़ा कंपटीशन कर दिया यूट्यूब के ऊपर कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको सलाह तो अच्छी अच्छी देते हैं वो, कि आप मतलब मोटिवेशन इतना बढ़िया देते हैं कि आप डी मोटिवेट मत होइए, आप अपना जो काम है यूट्यूब के ऊपर वो करते रहे कंटिन्यू। तो इससे दोस्तों जो यूट्यूबर्स हैं नए उनको एक मोटिवेट मतलब अच्छी खासी एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं हम बन सकते हैं, क्योंकि मनोज देजर अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों यूट्यूब का ऐसा रूल था कि 1,000 व्यू के ऊपर $1 मिलते जाएगा, तो अभी जो है मनोज दे ने कॉम्पिटिशन इतना बढ़ा दिया है कि यूट्यूबर्स की फुल मतलब कचरा भर चुका है यूट्यूब के ऊपर। तो अभी इतने सारे यूट्यूब के वीडियो आते हैं, आप एक सर्च करिए आपको हज़ारों की गिनती में आ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया है, बहुत मतलब कंपटीशन तगड़ा हो गया है और व्यूज़ जो है अच्छे खासे नहीं मिलते। अगर जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो जैसे कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसको व्यूज़ तो आना ही है, ये पहली बात, और जिनके सब्सक्राइबर नहीं है तो उनको व्यू कहाँ से आएंगे। मनोज दे बोलते हैं कि अपने वीडियो खुद ही देखते रहिए, व्यूज़ आते रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये गलत बात है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत देखना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि इसके बाद में जो काउंटिंग होती है व्यूज़ की वो यूट्यूब नहीं करता है अपनी। तो वैसा मनोज दे के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, 500 के ऊपर भी है उनके कुछ तो भी, तो
का ऐसा है कि उन्होंने एक भी वीडियो कुछ भी डाल दिया कि मैंने कार लिया, मैंने गॉगल लिया, मैंने वॉच लिया, तो ये ऐसे वीडियो के ऊपर उनको तो व्यूज़ आना ही है दोस्तों। और उसके ऊपर उनके जो व्यूज़ के हिसाब से फिर उनके ऐड वगैरह आ जाती है, और वीडियो देखते टाइम पे ऐड देखने में चले गई तो उनको पैसा तो वैसे ही मिलना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पुराने यूट्यूबर्स, पुराने मतलब नए यूट्यूबर्स है, पुराने के मुकाबले ये पीछे रह जाते हैं नए वाले, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर ऑलरेडी बन चुके हैं और ये आपको टिप्स देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, और सब लोग वही टिप्स फॉलो करने को लग जाते हैं और होता किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए 10 यूट्यूबर्स है और एक मनोज दे है, मनोज दे तो सक्सेसफुल है, मनोज दे यहाँ पे है और 10 यूट्यूबर यहाँ पे रहे, ठीक है, और इनके बीच में झगड़े चालू है कि कौन ऊपर जाएगा कौन ऊपर जाएगा। मनोज दे ने तो पता दिया कि ऐसा करो, सब वैसे करने के चक्कर में है, और जो वीडियोस वगैरह डालते हैं वो उनके यही लेवल पे घूमते रहते हैं। और मनोज दे का ऐसा सब्सक्राइबर ज़्यादा है उनके, तो वो एक कोई भी वीडियो डाल दिए ना तो उसके ऊपर लाइक्स व्यूज़ सब आना ही है, और हम लोग इधर के इधर ही खेलते रहते हैं। तो उन्होंने ये जो ट्रिक्स वगैरह बताई है तो वो काम के है कुछ कुछ, ऐसा नहीं बोलता मैं कि कुछ काम के नहीं है, है कुछ कुछ काम के, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरा खुलासा कर दिया यूट्यूब का कि कोई भी आ जाके यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाता है, वीडियो डालना चालू कर देता है, और यूट्यूब का पूरा सत्यानाश हो चुका है। अभी यूट्यूब में इतने सारा कचरा भर चुका है वीडियो का, तो यूट्यूब को हमको थोड़ा साफ सुथरा रखना है, और यूट्यूब ये जो काम करने भी वाला है अभी चालू है इसका काम, तो बहुत से जो चैनल है वो तो बंद हो चुके हैं अभी, और जो फालतू की वीडियो डालते हैं उनका तो मतलब चैनल ही डीएक्टिवेट कर दिया यूट्यूब ने। तो मनोज दे को दोस्तों पैसा कैसा मिलता है, मनोज दे ने अभी जो यूट्यूब का पूरा खुलासा कर दिया है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपनाओ, तो इसके पहले जो था मनोज दे को, जो मतलब इसके पहले सभी को 1,000 व्यूज़ पे $1 मिलता था, और अभी कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है मनोज दे ने कि ऐसे ऐसे ट्रिक पूरे बता के सब लोगों को यूट्यूब के ऊपर लाने के लिए मजबूर कर दिया है, कि कोई भी सोचता है कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, ठीक है भाई अच्छी बात है यूट्यूब बनो करके, लेकिन मतलब इतना सारा कचरा कि कुछ के कुछ कोई भी स्टेटस अपलोड कर देते ये व्हाट्सएप के, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह की वीडियो डाल देते कुछ भी रिकॉर्ड करके, तो कोई जादू टोना वगैरह कुछ भी डालते रहते दोस्तों, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। और हाँ व्यूज़ की बात बता रहा था मैं, तो 1,000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता था, और मनोज दे ने जो अभी खुलासा कर दिया है तो उसके वजह से अभी दोस्तों फिलहाल के टाइम में 2020 के 19 और 20 के टाइम में 7,000 व्यूज़ पे $1 मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ पहले 1,000 व्यूज़ पे ₹70 मिलते थे, मतलब $1 मिलता था जो इंडियन प्राइस है, इंडियन रुपीज़ जो है ₹70 $1 का, और अभी जो है 7,000 व्यूज़ पे $1 मिलेगा, मतलब 7,000 व्यू हो गए तब जाके आपको ₹70 मिलेंगे दोस्तों, डिफरेंस आपके सामने है। और मनोज दे ने जो किया है वो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरफ से बुरा भी कह सकते हैं। तो अच्छा इसलिए कहेंगे हम कि जिसका भी सपना यूट्यूब पे पैसा कमाने का, तो उनको एक राह दिखा दी है मनोज दे ने कि आओ ऐसे ऐसे ट्रिक फॉलो करो आप, ठीक है। और बुरा ऐसा है कि देखो मनोज दे के सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो उनके लिए तो 7,000 जो व्यूज़ है वो तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, उनके तो लाखों में व्यूज़ आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, उनको भाई 7,000 सब्सक्राइब अपना व्यूज़ कैसा आएगा बताओ ना, तो वो तो बेचारे यहाँ पे लटक के बढ़ जाएंगे। तो ये बात है दोस्तों, मनोज दे ने बहुत सोच समझ के बात किया है, मतलब खुलासा कर दिया इसका कि उनके जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ चुके हैं और बाकी के लिए ठेंगा है सिर्फ। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो मनोज दे ने जो किया है ना दोस्तों, ये पूरा यूट्यूब का खुलासा कर दिया है,
मतलब यूट्यूब एक पूरी खुली किताब कर दिया उन्होंने अभी। तो दोस्तों ये टेक्निकल गुरुजी भी कर सकते थे, जो कि उनके इतने सारे जो सब्सक्राइबर है मिलियंस के अंदर है दोस्तों, वो भी ये कर सकते थे, तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको कंपटीशन ज़्यादा तगड़ा नहीं करना था। मनोज दे ने कंपटीशन को बहुत तगड़ा कर दिया है, मेरा ये कहना है। और मैंने टेक्निकल गुरुजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में भी है, ठीक है? तो वो आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए।